हेलो फ्रेंड्स, मैं कुणाल कुमार बिलर अपने इस चैनल पे स्वागत करता हूँ। सो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, जो आप गाड़ी मेरी देख रहे हैं अल्टो BXi प्लस, जिसको आज एक ऑटो वाले ने एकदम घटिया तरीके से ठोक दिया है। सो आपको पता ही होगा कि इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो कैसी है। तो पहले इसकी जो लुकिंग ग्लास है, पहले हम उसको दिखा देते हैं कि वो कैसे इसने एक ही झटका में लुकिंग ग्लास को अलग कर दिया। तो आप देख सकते हैं, सो एक बार इसका झटका लगा, इसका लुकिंग ग्लास अलग निकल के रोड पे घूमने लगा। सो अब इसकी जो नीचे देख सकते हैं ये वाला, जो कि वहाँ से घसरते हुए आगे से घसरते हुए आया और यहाँ पे इसको एकदम कुछ ज़्यादा ज़ोर से नहीं लगा, लेकिन तब भी आप देख सकते हैं इस गाड़ी की जो क्वालिटी है, बिल्ड क्वालिटी कैसी है, जो कि बहुत ही घटिया तरीका से इसका जो निकल चुका है। आप देख सकते हैं अंदर, यहाँ तक कि अंदर का भी इसका जो फट चुका है। सो हम आपको दिखा देते हैं कि जो अंदर में आप देख लीजिए, यहाँ का पूरा ये छोड़ चुका है, जो कि बहुत ही इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है बहुत ही घटिया आती है। एकदम हल्का सा लगा, अगर आप समझ सकते हैं अगर कुछ ज़ोर से रहता तो क्या होता। सो इसकी जो ये आप देख सकते हैं बहुत ही घटिया है, कुछ ज़्यादा तेज़ में तो था नहीं गाड़ी। और ये गाड़ी जो गाड़ी अल्टो खड़ी थी और ऑटो वाले आके सिर्फ इसको सटा दिया। आप देख सकते हैं यहाँ से इसकी जो बॉडी भी है कुछ हट गई है। सो आप यहाँ पे आप जो देख सकते हैं कि काफ़ी इसकी जो हानिकारक हुआ है और काफ़ी इसको जो लुक्स भी ख़राब कर दिए हैं, जो न्यू गाड़ी थी और इसकी जो आप देख सकते हैं एकदम घटिया की तरह कर दिया है फ्रेंड्स। सो यहाँ पे एकदम हल्का सा लगने पे इसकी जो इस पार्ट से उस पार्ट तक चली गई है, आप देख सकते हैं, यानी कि फट गई है। जो इसकी जो गेट है वो काफ़ी इसकी जो नक्शा चेंज कर दिया है, आप देख सकते हैं, जो कि इसकी जो नक्शा है पूरा चेंज कर चुका है। जो अब गाड़ी की आप जिसको इंश्योरेंस क्लेम करेंगे, आप इसको एजेंसी में जाएंगे, यहाँ भी देख सकते हैं जो कि काफ़ी घटिया तरीका से इसके जो बिल्ड क्वालिटी है, जो कि हम अब इसकी एजेंसी में लेके जाएंगे, वहाँ पे देखते हैं आप कैसे क्या होता है। अब वहीं पे उसको दिखाते हैं, आप लुकिंग ग्लास भी देख सकते हैं, ये ज़्यादा ज़ोर से भी नहीं लगा, एकदम हल्का सा लगा। सो आप देख सकते हैं अब इसको एजेंसी में लेके चलेंगे, अब देखते हैं कि वहाँ पे अब क्या होता है, अब गाड़ी कितने दिन तक एजेंसी में रखती है। अब वहाँ पर देखते हैं कि अब इस गाड़ी की जो क्या क्या चेंज करता है, क्या नहीं करता है, सब जो होगा सो एजेंसी में ही होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। तो फिर मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, अगले टॉपिक में मिलेंगे। तो चलते चलते हम आपसे फिर से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, कमेंट और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम आपसे अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं।